उत्तराखंड के केदारनाथ में भारतीय वायुसेना का M-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में कंस्ट्रक्शन का सामान भरा था जो गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए रवाना हुआ था, लेकिन केदारनाथ मंदिर के पीछे बने VIP हेलीपैड पर लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हो गया। लेकिन गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत 6 वायुसेना के जवानों की जान बच गई। CBSE बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल बोर्ड ने 10वीं कक्षा की गणित की परीक्षा वापस नहीं करवाने का फैसला लिया है। बता दें कि CBSE बोर्ड के मुताबिक परीक्षा देश के किसी भी हिस्से में आयोजित नहीं की जाएगी। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि परीक्षा दिल्ली और हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में करवाई जा सकती है। आपको बता दें कि पहले बोर्ड ने 10वीं बोर्ड की गणित और 12वीं की इकोनॉमिक्स की परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द कर दी थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों की मान्यता का संशोधित गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में सरकार की ओर से फेक न्यूज से निपटने के लिए कई नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। वहीं इसमें पत्रकारों की मान्यता खत्म करने जैसे कड़े प्रावधान भी शामिल हैं। इस बारे में खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट में कहा है, ये बताना उचित होगा कि फेक न्यूज के मामले PCI और NBA के द्वारा तय किए जाएंगे। दोनों एजेंसियां भारत सरकार के द्वारा रेगुलेट या ऑपरेट नहीं की जाती हैं। हालांकि इसको लेकर मीडिया जगत में पत्रकारों का विरोध भी शुरू हो गया है। सुहाना खान पिछले दिनों अपनी मां गौरी और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ताजमहल देखने गई थी। स्टारकिड के इस ट्रिप की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब सुहाना इन तस्वीरों को लेकर ट्रोल हो रही है। दरअसल एक तस्वीर में सुहाना खान अपने फ्रेंड्स के साथ पोज दे रही हैं। यही फोटो ट्रोलर्स को रास नहीं आ रही और उन्हें सुहाना के इस पोज से दिक्कत हो रही है, जिसमें कुछ लोगों ने तो सुहाना के इस बॉडी पोस्चर पर सवाल भी उठाए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए राहत की खबर है। दरअसल आयोजकों ने BWF के प्रायोगिक सर्विस नियम को लागू करने से मना कर दिया है। वहीं नए सर्विस नियम के तहत सर्विस के समय शटल जमीन से 1.15 मीटर ऊपर होनी चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों के अलावा डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन और 2 बार के ओलंपिक चैंपियन चीन के लिन डेन जैसे सितारों ने इसका विरोध किया था, जबकि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ऑल इंडिया चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ये प्रयोग करने के लिए BWF की आलोचना भी कर चुकी हैं।